In this case, we are provided different types of constant declarations. We are discussing one by one. First one, in this case, mein, सभी केसेस के लिए अप्लाई करने के लिए टू वेरिएबल डिफाइन किए एक्स और वाई. देन सार केस वन बाई वन इंडिविजुअली मिक्स करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट डिक्लेरेशन को सेकंड के साथ मिक्स करें, देन थर्ड, देन फोर्थ, वन बाई वन. फर्स्ट केस में अगेन प्रीवियस केस में डिस्कस किया था विच वन इज अ कॉन्स्टेंट लोकेशन. इस केस में कॉन्स्ट जस्ट अपीयर करूंगा जस्ट बिफोर स्टार बी, देयरफॉर कॉन्स्टेंट लोकेशन इज कंसिडर्ड एज स्टार पी नॉट अ पी. इन दैट केस पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वाई और स्टार पी इक्वल्स टू फाइव. इस केस में वैलिड केस कौन सा हुआ? वैलिड असाइनमेंट. इस कॉन्स्टेंट लोकेशन कौन सा? स्टार पी. इसलिए स्टार पी में चेंजेस करना पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड केस. लेकिन फर्स्ट वन केस कैसा है? इट इज वैलिड स्टेटमेंट्स. मीन्स पी को अदर एड्रेस से असाइन करना पॉसिबल, लेकिन स्टार पी को अदर वैल्यू से असाइन करना पॉसिबल नहीं. सेम है सेकंड केस में कॉन्स्ट कीवर्ड अप्लाई करेंगे जस्ट बिफोर स्टार पी, दैट्स व्हाई बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स इन दैट केस. थर्ड केस में बात करें जस्ट कॉन्स्टेंट कीवर्ड अप्लाई की जस्ट बिफोर पी. इस केस में कॉन्स्टेंट लोकेशन कौन सा क्रिएट हुआ? पी नॉट अ स्टार पी. मीन्स इस केस में अगर आप राइट करोगे पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वाई, इट इज इनवैलिड ऑपरेशंस. मीन्स पी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, इसलिए किसी अदर एड्रेस के थ्रू इनिशलाइज करना पॉसिबल नहीं. लेकिन स्टार पी मीन्स वैल्यू, स्टार पी के थ्रू वैल्यू चेंज करना पॉसिबल, इट इज वैलिड ऑपरेशंस. देन नेक्स्ट केस में अगर बात करें, इन दैट केस अगेन वी आर प्रोवाइडिंग कॉन्स्ट डिक्लेरेशन टू टाइम्स. मीन्स फर्स्ट वन अगर राइट टू लेफ्ट बात करें, फर्स्ट कॉन्स्ट अप्लाई किसके लिए हुआ? पी के लिए. इस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉन्स्टेंट की वजह से पी को चेंज करना पॉसिबल नहीं. पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वाई इज इनवैलिड ऑपरेशंस. क्लियर? नेक्स्ट वंस सेकेंड कॉन्स्टेंट की बात करें, सेकेंड कॉन्स्ट अप्लाई किसके लिए हुआ है? स्टार पी के लिए. दैट्स वाई वी कैन नॉट चेंज ऑल्सो स्टार पी इन दैट केस. मीन्स इस केस में स्टार पी वी कॉन्स्टेंट लोकेशन प्लस पी वी कैसा है? कॉन्स्टेंट लोकेशन. इसलिए दोनों ही ऑपरेशन कैसे हैं? बोथ आर इनवैलिड केस. नेक्स्ट वन केस थ्री, केस टू सॉरी, इन दैट केस बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस. ओनली डिफरेंस क्या है? इस पर्टिकुलर केस में कॉन्स्ट अप्लाई किया बिफोर डेटा टाइप, इन दैट केस आफ्टर डेटा टाइप. नेक्स्ट वन लास्ट केस इज इनवैलिड केस. रीजन अगर राइट टू लेफ्ट टू फर्स्ट कॉन्स्ट की बात करें तो उसके लिए इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट लोकेशन कौन सा? पी नॉट अ स्टार पी, इट इज अप्लाइड टू द पी. इस पर्टिकुलर कॉन्स्ट की बात करें, अप्लाई किसके लिए हो रहा? स्टार एंड पी. इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट लोकेशन कौन सा? स्टार पी नॉट अ पी. सेम एस थर्ड कॉन्स्ट की वर्ड की बात करें, थर्ड कॉन्स्ट अप्लाई किसके लिए हो रहा है? अगेन फॉर स्टार पी. देन स्टार पी इस केस में कितनी बार कॉन्स्टेंट डिफाइन होना? टू टाइम्स. मीन्स स्टार पी को ऑलरेडी कॉन्स्ट डिफाइन कर चुके, देन सेकेंड टाइम अगेन कॉन्स्ट क्रिएट करना पॉसिबल. मीन्स इन दोनों केस में कॉन्स्ट ओनली वन टाइम अप्लाई करना पॉसिबल, या तो थ्री केस में या फिर सेकेंड केस में.